अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आया हूँ एनसीटी का लेटेस्ट वर्जन। तो ये क्रैक टूल है जो कि फ्री में काम करेगा और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तमाम पासवर्ड और फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टॉलेशन के लिए एक्सी फाइल की इंस्टॉलेशन के लिए इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। सिंपल तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसकी डिटेल से आपको बताऊँगा कि इस टूल की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। तकरीबन 800 MB की फाइल है तो इंस्टॉलेशन में कुछ वक्त लगेगी, तो इसलिए हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए ये इंस्टॉल हो चुका है, अब फिनिश करते हैं। स्टोर को डबल क्लिक करने से ये ओपन नहीं होगा। ये मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हमें एक एरर आ जाएगा। तो ओपन करने के लिए हम इस पर क्लोज करने के बाद ओपन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड में ओपन हो जाएगा। टूल ओपन हो चुका है। अब मैं इसका डिटेल से आपको बताता हूँ कि फर्स्ट में ये फ्लैश सेक्शन है, यहाँ से हम मोबाइल्स को फ्लैश कर सकते हैं, जैसे कि क्वालकॉम मोबाइल्स को, उनका मॉडल सेलेक्ट करके और फाइल लोड करके हम उनको फ्लैश कर सकते हैं ETL मोड में। मैं मॉडल चेक करा देता हूँ, इसमें काफ़ी मॉडल्स के बहुत से मॉडल्स मिलेंगे और ओप्पो के मिलेंगे यहाँ पर तादाद मॉडल्स। इसके अलावा बहुत से क्वालकॉम चिप के मोबाइल्स हम ETL मोड से फ्लैश कर सकते हैं, हवावे के क्वालकॉम मोबाइल्स को हम फ्लैश कर सकते हैं, हाई सिलिकॉन हवावे हॉनर मोबाइल और पासपोर्ट को भी फ्लैश कर सकते हैं, सैमसंग को फ्लैश कर सकते हैं। बैकअप सेक्शन में हम मोबाइल्स की फाइल रीड कर सकते हैं, वैसे ही हाई सिलिकॉन हवावे की फाइल रीड कर सकते हैं। अभी अनलॉक सेक्शन में हम मोबाइल्स को अनलॉक कर सकते हैं। NTK सेक्शन में हमें वीवो के बहुत से मॉडल मिले हैं जिनके बैटरी लॉक्स हम रिमूव कर सकते हैं। वैसे ही रिपेयर सेक्शन में हमें क्वालकॉम के मॉडल मिलेंगे, सैमसंग मिलेगा और EMMC मिलेगा। नेटवर्क में हमें IMEI रिपेयर की सहूलत मौजूद है, इन तमाम मोबाइल्स की IMEI हम रिपेयर कर सकते हैं, क्वालकॉम मोबाइल्स और ISELCOM मोबाइल्स की। फाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे ही, और भी बहुत से आप लोगों को यहाँ पे फंक्शन मिलेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को ये तो पसंद आएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।